आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान में एक ऐसा जाना माना विश्वसनीय नाम जिन्होंने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने नाम की पहचान बनाई है, ज्योतिषाचार्य दीपक शास्त्री, डायरेक्टर महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान, जयपुर, राजस्थान। शास्त्री जी के ज्योतिष प्रोग्राम देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। व्यक्तिगत या फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। देखते रहें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राधे। आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में पांच राशि वाले लड़के लड़कियों का अचानक से शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। वर्तमान समय में योग चल रहा है, देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में गोचर करना, देवगुरु बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है वह इन पांच भाग्यशाली राशियों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में इन पांच राशि वाले लड़के लड़कियों के विवाह होने में विगत काफी समय से यदि लगातार समस्या बनी हुई है तो अभी वर्तमान समय में इनका शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग चल रहा है। तो ये पांच कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा आप प्राप्त करना चाहते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। वह कौन सी पांच भाग्यशाली राशियां हैं जिनका वर्तमान समय में शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देखिए, मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति अभी भ्रमण कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति की सबसे ज्यादा प्रभावित शुभ दृष्टि है वह तुला राशि को प्रभावित करेगी। तुला राशि वाले लड़के लड़कियों के विगत काफी समय से यदि विवाह में विलंब चल रहा है, विघ्न बाधाएं बनी हुई हैं, तो अभी इस समय पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि तुला राशि वाले लड़के लड़कियों की यदि विवाह के योग्य उम्र चल रही है और बार बार प्रयास किया जा रहा है और सफलता नहीं मिल रही है तो वर्तमान समय में आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। तुला राशि वाले लड़के लड़कियों का अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना रहे हैं अभी देवगुरु बृहस्पति। दूसरी भाग्यशाली राशि है धनु राशि, जिसको नवम शुभ दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो धनु राशि वाले लड़के लड़कियों के भी विगत काफी समय से शादी का रिश्ता पक्का होने में समस्या बनी हुई है तो अभी वर्तमान समय में योग चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जप कर सकते हैं, भगवान शिव को जल अर्पण कर सकते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी बात बन जाए, क्योंकि वर्तमान समय में धनु राशि वाले लड़के लड़कियों का शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तीसरी भाग्यशाली राशि है मेष राशि, जिस राशि में स्वयं देवगुरु बृहस्पति अभी भ्रमण कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, मेष राशि वाले लड़के लड़कियों का भी वर्तमान समय में विवाह योग चल रहा है। हनुमान जी महाराज की आराधना करके उनसे जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की कामना करें। तो अभी का जो ये समय है देवगुरु बृहस्पति का, ये कहीं ना कहीं आपकी शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना रहा है। तुला राशि की जो मैंने बात कही तो मैं तुला राशि वालों के लिए बता दूं, तुला राशि वालों को भगवान गणपति की आराधना करते हुए भगवान गणपति से प्रार्थना करना है जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का, क्योंकि तुला राशि वालों का मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया योग बन रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि आपको किस देवता की आराधना करनी है। चौथी भाग्यशाली जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि को भी देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। ऐसे में मीन राशि वाले लड़के लड़कियों के भी विगत काफी समय से विवाह होने में लगातार रुकावटें बाधाएं बनी हुई हैं तो वर्तमान समय में मेष राशि का गोचर देवगुरु बृहस्पति का शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना रहा है। आप अच्छे से प्रयास करें
और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करके जल्दी से जल्दी शीघ्र विवाह की कामना के लिए प्रार्थना करें। और पांचवी अंतिम राशि जो है वह बनती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले लड़के लड़कियों के भी विवाह होने में लगातार समस्या चल रही है, तो सूर्य भगवान को नित्य जल अर्पण करते हुए अपने शीघ्र विवाह की कामना करें, क्योंकि सिंह राशि वाले का भी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना रहा है। विशेष बात है, देखिए प्रिय दर्शकों, ये जो पांच राशियां मैंने बताई, इन पांच राशि वालों की जन्म कुंडली में भी बृहस्पति की स्थिति शुभ होनी चाहिए, क्योंकि ये गोचर के बृहस्पति के आधार पर मैंने फल कहा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में हो सकता है आपकी बातें चले लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाए। और अन्य राशियों का जो मैंने नाम नहीं बताया है, ऐसा नहीं है कि उनकी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो सकता। अभी यदि उनकी जन्म कुंडली में मैरिज कराने वाले ग्रहों की दशा चले तो अन्य राशि वालों के साथ भी अभी वर्तमान समय में शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। यह मैंने ओनली देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर, अभी देवगुरु बृहस्पति जो भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में, उसके अकॉर्डिंग मैंने फल कहा है। और सबसे ज्यादा प्रबल संभावना जब भी ज्योतिष शास्त्र में देखी जाती है विवाह होने की, तो उसमें बृहस्पति का विचार जरूर किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं, किसी भी लड़का या लड़की के विवाह के योग्य उम्र चल रही है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि उनकी राशि को प्रभावित कर दे तो निश्चित रूप से शादी का, विवाह का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये पांच राशि वाले लड़के लड़कियों का भी वर्तमान समय में योग चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए और भगवान की आराधना करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, मैं अपने बेटा या बेटी के विवाह के लिए प्रयास कर रहा हूं, उसमें मुझे सफलता मिले, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड आपको बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करनी है, जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। यदि आपको अपने आप खुद से ही जानना आपकी शादी का कहां किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।